दोस्तों मुंबई और दिल्ली के बीच आखिरी ओवर में हमें जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला, जहां आखिरी 6 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर ग्रीन ने 1 रन लेते हुए टिम डेविड को स्ट्राइक पर लाए, लेकिन दूसरी गेंद पर टिम डेविड लंबा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद सीधे मुकेश कुमार के हाथों में दे बैठे और वो कैच ड्रॉप कर जाते हैं। तीसरी गेंद डॉट रही और चौथी गेंद पर डेविड ने रन ले लिया। पांचवीं गेंद पर ग्रीन ने रन ले लिया। हालांकि दोस्तों वहां रनआउट का मौका था, लेकिन नॉर्किया ये मौका मिस कर जाते हैं। अब एक गेंदों पर 2 रन चाहिए थे और जैसे डेविड ने शॉट खेला दोनों रन लेने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि फील्डर ने गलत थ्रो किया, उस वजह से डेविड बच गए। अगर थ्रो सही होता तो यहाँ पर सिर्फ 1 रन लेना मुमकिन था और दोस्तों हमें सुपर ओवर देखने को मिलता। दोस्तों आप इस जबरदस्त मैच पर क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।